अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर। रिलेटिव का मतलब है हमने किसी चीज के साथ रिलेट करना है। अब रिलेट कैसे करना है? रिलेट करना है किसी स्टैंडर्ड के साथ। ऊपर से चला गया, नहीं समझ आया, समझाता हूँ। आप सब्जी की दुकान पे गए, आपने गोभी का फूल उठाया है, आपको उसका मास नहीं पता था। आपने एक स्टैंडर्ड वेट एक साइड पर रखा और गोभी का पीस दूसरी साइड पर रखा, तो उसके साथ आपने कंपेयर करके देख लिया कि कौन सा मास ज्यादा है, कौन सा मास कम है या कौन सा इक्वल है। तो आपने किसी तरह उसको बैलेंस करके देख लिया कि अच्छा, ये गोभी का पीस तो 1 किलो है। समझ आ गया? डेली लाइफ से एग्जाम्पल थी, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको ये समझ आ गया। फिर समझिएगा, गोभी का फूल लेने जाए या आप कोई भी सब्जी लेने गए, आप कहते हैं कि आलू लेने जा रहा हूँ। आप आलू लेने गए हैं, आपने जाके वहां से आलू डालना शुरू किए हैं, आपको 1 किलो आलू चाहिए, लेकिन आपको आलू का मैस नहीं पता, आलू का वजन नहीं पता। तो आप किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी ऐसे वेट के साथ जिसका वेट आपको ऑलरेडी नोन है। हम कहते हैं ना किलो का बट्टा, 2 किलो का बट्टा या 2 किलो का वेट। वो 2 किलो का क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो 2 किलो का एग्जैक्ट है। अब केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है? ये जो एग्जाम्पल मैंने दी ये तो लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन अब केमिस्ट्री में इसको कैसे घुसाए? तो यही सारी चीज है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं यहां पर बताता हूं, हमारी बुक में जो डेफिनेशन लिखी है वो है 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। अब सर से ऊपर से गुजर गया ना, समझाता हूं इजी। कार्बन 12 आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब कि कार्बन की दूसरी भी फॉर्म्स हैं, जिसमें कार्बन 12 और 30 कार्बन 13 एंड 14। कार्बन 12 हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है, कार्बन 13 है उससे कम है, और कार्बन 14 हमारे पास रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें से रेज एमिट होती है। ये दोनों ही हमारे काम की चीजें नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कार्बन 12 के ऊपर कि कार्बन 12 क्या चीज है। बुक में लाइन लिखी है कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। ये चीजें आपस में अभी मिक्स नहीं हो रही है, आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी लिंक करेंगी। स्टे ट्यून। ये एक सर्कल है, सर्कल को अगर हम 1 कहें, अगर मैं इसको सेंटर में से 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसको मैं कहूंगा 1/2। अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो मैं इसको कहूंगा 1/4। अगर मैं इसको सेंटर से इस तरह डिवाइड करूं तो इसे मैं कहूंगा 1/8। समझ आ रही है? इसका मतलब मैं एक चीज को डिवाइड कर रहा हूं छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज है? कार्बन का 12th आइसोटोप हमने लिया, कार्बन 12 का एक एटम लिया हमने, उस एटम को हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 12 इक्वल पार्ट में से डिवाइड किया तो जो एक पीस बचा हमारे पास 1/12 पार्ट, हमने उस एक पार्ट को सेपरेट किया। तो ये जो अब हमने एक पार्ट सेपरेट किया है, हमने इसको एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। स्टैंडर्ड क्या? कि ये जो 1/12 पार्ट है कार्बन 12 आइसोटोप का, ये एक स्टैंडर्ड वेट है। हमने इसके साथ रिलेट करके देखना है कि दूसरी स्पीशीज का वेट कितना है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हमने क्या किया, हमने इस 1/12 पार्ट को हमने एक AMU मतलब के इक्वल टू 1 AMU के इक्वल लेट कर दिया। हमने कहा कि 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो इक्वल होगा 1 AMU के। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट कौन सा है? एटॉमिक मास यूनिट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो हमने तो वो पार्ट सेपरेट किया है, इसका मतलब हमने उसको एक यूनिट डिफाइन कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं मेरे से कि सर, जब हम कोई भी यूनिट डिफाइन करते हैं तो हम यूनिट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू। हमने इसमें 1/12 पार्ट ही क्यों लिया था? तो बेटा ये भी एक 1 यूनिट ही है। कैसे? कार्बन का मास है 12, हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 12। तो जब हम इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। कार्बन के 12 मास को हमने 1 में डिवाइड करके उसको सेपरेट करके उसको स्टैंडर्ड रखा है, जो कि हाइड्रोजन का भी तो मास है। तो क्वेश्चन ये है कि हमने हाइड्रोजन के मास को क्यों नहीं स्टैंडर्ड रखा? क्योंकि हाइड्रोजन भी तो 1 है, तो हमें इस कार्बन की इतनी कटिंग की जरूरत ही ना पड़ती। भाई हम क्यों इसके इतने पीसेस कर रहे हैं, क्यों हमने इसको इतना। तो बात यह है कि कार्बन रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है, कार्बन 12 स्पेशली। तो
सॉलिड को हैंडल करना इजी होता है एज कम्पेयर टू गैस, क्योंकि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर गैस है। एक तो गैस को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, दूसरा इसको आइसोलेट करना, इसके एक सिंगल एटम को बाहर निकालना, एक सिंगल एटम को सेपरेट करना, वो बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए उन्होंने कार्बन सेलेक्ट किया और उसका मैस उन्होंने हाइड्रोजन के इक्वल ही कर दिया। कैसे? जब उसके 12 मैस को 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसका मैस हाइड्रोजन जितना हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कार्बन के 1/12 पार्ट का मैस जो है वो इक्वल है हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक तरफ 1/12 पार्ट रखेंगे और एक तरफ हाइड्रोजन रखेंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अब जब हमने 1 AMU डिफाइन कर दिया कि 1 AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, तो हमने इसकी मैथमेटिकल कुछ कैलकुलेशन की, हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको जब यूनिट डिफाइन कर दिया, हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली, फिर हम इसे AMU क्यों कह रहे हैं? हम दूसरे यूनिट्स में तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि 10⁻⁶ को हम कहते हैं माइक्रो, 10⁻⁹ को हम कहते हैं नैनो, तो हम इसको भी तो यूनिट दे सकते थे कोई भी, तो फिर हमने AMU ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि बेटा जो हमारे पास जो सबसे छोटा जो यूनिट है वो है 10⁻², जो कि है पीका, लेकिन ये उससे डबल है। तो अब आप कहेंगे कि सर हम इसको डबल क्यों नहीं लिख सकते कि 1.66 × pica × pica × gram। तो बेसिकली ये एक रूल है कि आप एक ही लाइन के अंदर दो प्रीफिक्सेस यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाए। ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो उन्होंने इसको प्रीफिक्स लगाने की बजाय, प्रीफिक्स ऐड करने की बजाय, उन्होंने इसको एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट डिफाइन कर दिया कि जहां पर भी 1 AMU का वर्ड आएगा इसका मतलब इतनी क्वांटिटी है। सेम एज इट इज, जैसे मोल की हम बात करते हैं कि 1 mole इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻²³ एटम्स या पार्टिकल्स, तो हमने एक डिफाइन कर दिया कि 1 mole इससे पार्टिकल्स के इक्वल है या 1 mole इतनी क्वांटिटी के इक्वल है। तो हमने इस केस में ऐसे ही डिफाइन किया कि 1 AMU इतने मास के इक्वल है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम जो होंगे वो 1 AMU के अंदर होंगे, जो कि इक्वल है 1/12 तो कार्बन एटम के इक्वल। अब ये था आज का लेक्चर, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब के बटन को बिल्कुल नहीं दबाना, क्योंकि उससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि कहीं मोटिवेट ना हो जाए बंदा, वीडियो और अच्छी ना बनाना शुरू कर दे। खैर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।